सो हे गाइस, वेलकम टू दी रेश केयर। स्वागत है आपका रेश केयर के इस एक नए वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यमा की ऑल न्यू R15M के मॉन्स्टर एनर्जी के बारे में। इस वीडियो में आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ इस बाइक में क्या ग्राफिक्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं, कौन से कलर स्कीम आपको इसमें देखने मिलेंगे और कौन से स्टिकर्स आपको इस बाइक में ऑफर किए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यही बताने वाला हूँ। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Oh, you think you wanna start shit? I ain't even from this world, just call me Martian. I could kick you down a hole just like a Spartan. Fuck with me and you will never be pardoned. Yeah. Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. और सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो फ्रंट में आप लोग देख सकते हो मॉन्स्टर एनर्जी की बड़ी सी ब्रांडिंग आपको देखने मिल जाएगी इसके हेडलाइट के ठीक ऊपर, जो कि आपको व्हाइट और ग्रीन कलर के साथ देखने मिलती है। और साइड में आप लोग देखोगे तो जो मॉन्स्टर एनर्जी के जो स्क्रैच के जो स्टिकर्स आते हैं वो आपको देखने मिल जाएंगे। और ठीक मॉन्स्टर एनर्जी के आप लोग ऊपर देखोगे इनॉन्स की जो ब्रांडिंग आती है वो भी आपको देखने मिल जाएगी। और जो स्टिकर्स के ऊपर आप लोग देखोगे तो यमार ल्यूब की भी जो ब्रांडिंग है दोनों साइड आपको दी गई है। इसका जो फ्रंट का मडगार्ड है वहां पर भी आपको यमा की बैजिंग देखने मिलेगी, मॉन्स्टर एनर्जी के स्टिकर्स भी दिए गए हैं। वहीं बात करें साइड फेयरिंग के बारे में, बाइक के साइड फेयरिंग में देखोगे तो वहां पर आप मॉन्स्टर एनर्जी का जो लोगो आता है वो बड़ा सा आपको देखने मिल जाएगा। और ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर R15M की बैजिंग भी देखने मिल जाएगी। और उसके पीछे आप लोग देखोगे तो VVA यानी कि वेरिएबल वॉल्व एक्चुएशन की ब्रांडिंग भी आपको दी गई है। और नीचे अगर इंजन के यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी आपको मॉन्स्टर एनर्जी लिखा हुआ देखने मिल जाएगा। अगर बाइक को आप लोग कंप्लीटली देखोगे तो पूरी बाइक कंप्लीटली स्टिकर से भरी हुई है, कहीं पर भी आपको कोई भी स्पेस खाली नहीं देखने मिलता है। वहीं बात करें रियर स्टिकर्स के बारे में तो पीछे की जो फेयरिंग देखने मिलती है वहां पर आपको मॉन्स्टर एनर्जी की बड़ी सी ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया बाइक में कहीं पर भी कोई भी स्पेस खाली नहीं रखा गया है, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मॉन्स्टर एनर्जी की ब्रांडिंग देखने मिलती है। बात करें इसके एक यूनिक चीज के बारे में, अगर आप लोग R15M में मॉन्स्टर एनर्जी को पिक करते हो तो यहाँ का जो आपको लोगो देखने मिलता है टैंक के यहाँ पर वो आपको गोल्डन फिनिशिंग के साथ देखने मिलेगा। बाकी किसी भी कलर में आपको गोल्डन कलर के साथ यमा का लोगो नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर एनर्जी में ही आपको ये लोगो देखने मिलता है। बात करें इस बाइक के कलर स्कीम के बारे में तो आप लोग देख सकते हो ब्लैक और ब्लू कॉम्बिनेशन के साथ आपको इसमें कलर स्कीम ऑफर की जा रही है। और कलर्स की बात करें तो गाइस कलर काफी अच्छे, जब आप इस बाइक को रियल लाइफ में देखोगे कहीं से भी ये 155cc की बाइक नहीं लगेगी। बाकी आप लोग टैंक के यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर भी ब्लू कलर स्कीम दी गई है और साइड में आपको ब्लैक कलर देखने मिलेंगे। और एक और यूनिक चीज के बारे में बात करें जो इसके USD कैप है वहां पर आपको ब्लू कलर के साथ ही इसके USD के कैप देखने मिलेंगे, जिसमें आपको R15 की बैजिंग देखने मिल जाएगी। और टैंक के यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको मॉन्स्टर एनर्जी की छोटी सी ब्रांडिंग दी गई है और साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है यमा फैक्ट्री रेसिंग की भी ब्रांडिंग देखने मिल जाएगी। और साथ ही के साथ R15M के इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी जा रही है, तो यमा कनेक्टिविटी का भी स्टिकर्स आपको इसके टैंक के यहाँ पे ही देखने मिल जाएगा। तो ये थी एक छोटी सी डिटेल जिन लोगों को भी मॉन्स्टर एनर्जी पिक करने वाले उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन की, कहां पर आपको क्या ब्रांडिंग देखने मिलती है। और अगर आपको डिटेल में जानना है एक डिटेल वीडियो बना रखी है जो कि ग्रे कलर में बनाई हुई है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो अगर आप लोगों को डिटेल में इस बाइक की स्पेसिफिकेशन जाननी है। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Oh, you think you wanna start shit? I ain't even from this world, just call me Martian. I could kick you down a hole just like a Spartan. Fuck with me and you will never be pardoned. Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. And I will not be the one with regrets. And I will not hear the doubt or the threats. And I'm not one to ever forget. So what's the fuck out while I'm coming for you next? Shit. I ain't even from this world, just call me Martian. I could kick you down a hole just like a Spartan.
Fuck with me and you will never be pardoned. Yeah. Oh, you think you wanna start shit? I ain't even from this world, just call me Martian. I could kick you down a hole just like a Spartan. Fuck with me and you will never be pardoned. Yeah. It's been like driving me crazy, these people complacent. Too many are lazy but wanna